बैठिए बैठिए। आपको राजमाता ने याद फरमाया है, सिर्फ आपकी इजाजत। आप तशरीफ रखिए राजकुमारी साहिबा। चलिए आप इनके साथ जाइए। तो पधारिए। आप ही का नाम राजकुमार है? जी बस नाम राजकुमार है, पेशा नहीं। आपकी तारीफ? मैं सियासत का दीवान हूँ। आपका खत मुझे मिला था, मैंने वो सब बातें राजमाता जी को पढ़ के सुना दी थी। ये आपसे कुछ और बातें पूछना चाहती हूँ। खत में तुमने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा, कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? जी धौलगिरी के जागीरदार राम सिंह का नाम शायद आपने सुना होगा। हाँ याद आया, राम सिंह की जागीर छूटी थी मगर आन बान बहुत बड़ी थी। जी हाँ, मैं उन्हीं का बेटा राजकुमार सिंह हूँ, आजकल बंबई में कारोबार करता हूँ। हाँ तो वो लड़की जिसके बारे में आपका ख्याल है कि वो राजकुमारी रत्ना है, वो आपको कहाँ मिली? आपकी रियासत के दुश्मन डाकू तेजा सिंह के पास। वो पापी अभी तक जिंदा है? अब वो जिंदा नहीं है राजमाता। इसी फागुन की 3 तारीख को रात के 2 बजे उसे उस गुनाह की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल चुका है। हाँ से, मगर बंबई में बिजनेस करते करते आप चंबल की घाटियों में कैसे पहुंच गए? आप नहीं जानते दीवान साहब, लेकिन राजमाता शायद अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे स्वर्गवासी पिताजी और तेजा सिंह दोनों बड़े गहरे दोस्त थे। तेजा सिंह अगर जिंदा भी रहा तो उसने रत्ना को क्यों जिंदा रखा? उसने तो तारागढ़ का नाश करने की प्रतिज्ञा की थी। मुझे तो आपकी कहानी कुछ बनावटी मालूम होती है। मैं आपका एहसान लेने नहीं आया दीवान साहब, बल्कि इंसानियत के नाते आप पर एक एहसान करने आया हूँ, इसलिए जरा लहजा बदल कर बात कीजिए। तभी इससे बात करो दीवान जी। मगर मेरे सवाल का अभी तक आपने कोई जवाब नहीं दिया। अगर ये लड़की तेजा सिंह के कब्जे में थी तो वो जिंदा कैसे रही? देखिए तेजा सिंह को पेशा पर डाकू तो नहीं था, उसकी अपनी बहुत बड़ी जागीर थी। गुस्ताखी माफ राजमाता, आपके बेटे हिम्मत सिंह जी ने उसकी जागीर जब्त कर ली थी। अपना इंतकाम लेने के बाद जब उस बेचारे को अपने पाप का एहसास हुआ तो उसने राजकुमारी रत्ना को बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह पालना पोसना शुरू किया। यहाँ तक कि चंबल की घाटियों में उसकी तालीम का इंतजाम बिल्कुल राजकुमारियों की तरह करवाया। और जब वो मरने के करीब पहुंचा तो राजकुमारी की चिंता ने उसे मरने नहीं दिया। तब शायद उसे मेरा ख्याल आया होगा, और जब मैं वहां पहुंचा तो तेजा सिंह दम तोड़ रहा था। मरते मरते उसने ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी कि राजकुमारी को आप तक मैं पहुंचा दूं। कहां है वो लड़की? यही बाहर के कमरे में आपके गले लिपट जाने का इंतजार कर रही है। आपकी आज्ञा हो तो हाजिर करूं। नहीं नहीं, हम बहुत धोखे खा चुके हैं, हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हमारे फैसले तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, रियासत में तुम हमारे मेहमान बनकर रहोगे। बस अब आप अपना फैसला जल्दी सुना दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। दीवान साहब, कोई गुस्ताखी हो गई हो तो आप भी माफ कीजिएगा। दीवान जी, हमारे दिल और दिमाग में फिर से एक बार तूफान उठ रहे हैं, समझ में नहीं आता हम क्या करें। मेरा भी यही हाल है राजमाता जी, दिमाग कहता है कि ये नामुमकिन और दिल कहता है कि कहीं ये असली रत्ना हुई तो। दीवान जी, मेरा ख्याल है जिन्होंने रत्ना को बचपन से देखा है उसके बहुत करीब थे और सबको इकट्ठा कीजिए। आप डॉक्टर निकम, राज पुरोहित, किन्मा खान, सबसे कहिए उस लड़की को गौर से देखे और अपना फैसला करे। सबके फैसले के बाद मैं अपना फैसला करूंगी। दीवान जी, ये 3 बदतमीज को जमा किया है आपने, जो राजकुमारी रत्ना के आने पर आदित्य से खड़े भी नहीं होते।
दीवान जी, राज माता को हमारे रत्ना होने में शक है, इस वास्ते वो हमसे मिलने नहीं आएंगी, लेकिन हमें उनकी पोती होने का यकीन है, इसलिए हमारी तरफ से उनके चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ा दीजिए। पद्मिनी, नहीं ये फूल राज माता जी के पास ले जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग लव। आप लोग मुझसे जो भी सवाल पूछना चाहते हैं शौक से पूछ सकते हैं। मैं अपनी दादी माँ को एक नजर देखने के लिए आग के दरिया से भी गुजर सकती हूँ। अरे चिमन खान, तुम वहां क्यों खड़े हो? क्षमा करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तुम्हारी वजह से तो आज तक मैं जिंदा हूँ, मुझे सब याद है। तुमने किस तरह मेरे स्वर्गवासी पिताजी को बचाने की कोशिश की। क्या तुमने भी मुझे नहीं पहचाना? ये कैसे हो सकता है राजकुमारी साहिबा? आपकी तस्वीर तो मेरी आंखों में बसी है। चुम्मन खान, बैठ जाओ। बालिक है, हम तुमसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं? गुरुजी, मुझे किंचित भी आपत्ति न होगी। तो हमारा प्रश्न है कि? परंतु उसके पूर्व आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। क्या आपको याद नहीं कि आप मुझे बाल अवस्था में रुतबा कहकर बुलाते थे, बालिके नहीं? मुझे याद है। तो प्रोहित जी, अगर आप मुझे प्यार के नाम से नहीं पुकारना चाहते हैं तो मेरे असली नाम से पुकारिए। अच्छा, तो रत्ना देवी, आपको याद होगा कि भूल से एक बार मंदिर के दिए की जोत से आपके कपड़ों को आग लग गई। आग भूल से नहीं लगी थी, दीवान जी के बेटे प्रताप की शरारत से लगी थी। मेरा पांव भी थोड़ा जल गया था और डॉक्टर निगम ने मुझे इंजेक्शन भी लगाया था। क्यों डॉक्टर निगम, आपको याद है? जी हाँ जी हाँ, मगर मुझको ताज्जुब यह है कि इतने बचपन की बातें आपको इतनी अच्छी तरह से याद कैसे रह गई। इसलिए कि बचपन की यादों के सिवा मेरे पास जीने के लिए रह क्या गया था। वैसे बचपन से मेरी याददाश्त कुछ ऐसी रही है कि हर आदमी को हैरत होती थी। मेरी याददाश्त के किस्से आप मेरे इंग्लिश टीचर मिस्टर विल्सन से पूछिए। हेलो मिस्टर विल्सन, हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू? आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू वंस अगेन। थैंक यू। I never expected you will recognize an old man like me so soon. Why not? वाकई दाद देता हूँ आपकी, हर सबक दिल से याद किया है, यहाँ तक कि आप मुझे भी याद रखना नहीं भूली। आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ? आप तो वो मिस्टर प्रताप हैं, जिनको मैं दोस्ती में परतू और गुस्से में दीवान के छोरे कहती थी। और आप जब मुझे भूल से राजकुमारी की वजह रत्ना कहते थे तो आपको डांट पड़ती थी। एक बार तो आपके पिता दीवान जी ने आपके मुंह पर तमाचा भी मारा था। ठीक है दीवान जी? ये तो वो बातें हैं जो राजमहल में हर आदमी को मालूम है। आप ये बताइए कि राज का वो कौन सा खूंखार जानवर था जिसके पास जाने का आपको हुक्म नहीं था? पिताजी तो मुझे सिर्फ आपके पास जाने को मना करते थे। राजकुमारी साहिबा, वो राजमहल का पागल हाथी मंगल था जो अब तक जिंदा है और जिसे ये सब लोग जानते हैं, जिसे देखे बगैर आपको चैन नहीं पड़ता था। उसके लिए आपके पिताजी ने खास नौकर मुकर्रर किए जो आप पर कड़ी निगरानी रखे और आपको उस तरफ ना जाने दे। क्यों पिताजी? ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। ये मुझे याद नहीं। अच्छा, ये तो याद होगा कि बेर का वो पेड़ राजमहल में किस जगह है जिसके बेर हम दोनों छुप छुप कर खाया करते थे। वो कुआं कौन सा है जिसके मेंढक हम दोनों पकड़ा करते थे? मैंने कहा ना आपसे, बचपन की ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे याद नहीं। लेकिन आपकी याददाश्त पर तो लोगों को हैरत हुआ करती थी। अपनी याददाश्त किससे? आप मिस्टर विल्सन से पूछी। मैं बताऊं आपको ये छोटी छोटी बातें किस लिए याद नहीं? इसलिए याद नहीं कि तुम राजकुमारी रत्ना नहीं को दगा बात हो, राजमाता के जज्बात से खेल कर रियासत की तमाम दौलत पर कब्जा करना चाहते हो।
बात का कोई लालच नहीं, मैं इस रियासत को ठोकर मारती हूँ। तो फिर इंतजार किस बात का है? मारिए ठोकर और निकल जाइए यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी दादी माँ से मिले बगैर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। नहीं लड़की, ये क्या तमाशा कर रही हो? दादी माँ, मुझे इस काम से मत दुखा। दीवान जी, ये चाहे झूठी ही सही, लेकिन मेरी रत्ना की छवि बनकर आई है, इससे रत्ना के नाम पे जो चाहिए दे दीजिए। क्या चाहिए तुझे? बस मैं जो चाहती थी वो मिल गया मुझको। मैं एक नजर आपको देखना चाहती थी, अब अपने चरण और छू लेंगे। खबरदार, तू मुझे हाथ लगाए, दूर हट। दीवान जी, रत्ना के नाम पे दान देके इसे आज ही रियासत से रुखसत कर दीजिए। अपना इनाम और अपनी रियासत आप अपने पास रखिए, और ये रहा आपकी मेहमानवाजी का बिल, बाकी जो बचे अपने नौकरे में तकसीम कर दीजिए। राजमाता, ये सब दगाबाज हैं जो आपकी रियासत को लूटने के लिए असली राजकुमारी को झूठा साबित करना चाहते हैं। लेकिन इतना याद रखिए, एक दिन आपको अपनी बदनसीबी पर हाथ उठाने पड़ेंगे। चलिए राजकुमारी साहिबा। राजकुमारी साहिबा, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ खास अभी तो अच्छी मतलब आप चिंता मत कीजिए, जब मेरा जी भर आता है तो मुझे खांसी आने लगती है। ये बीमारी कब से है आपको? जी बचपन से। राजमाता, डॉक्टर साहब इतने दिन हो गए अभी तक खांसी ठीक नहीं होती। ये तो एक खास किस्म की एलर्जी है, इसे साइको कफ कहते हैं, और जो उम्र के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाती है। दादी माँ, तो दोनों की जान जावे की आखिर कर करके तेरा भी भेजा करो। मैं कहती हूँ सुनना है, इन गंगा जमुनी महलों में तू अपने प्यार का धर्म भूल न जाना शर्मा। अपने आप से क्या बातें कर रही थी यार? चोरी छुपे पीछा करने की आदत छुपी नहीं आपकी। हमें जिस बात से प्यार हो जाता है वो बात हमसे मर कभी नहीं छूट सकती, चाहे वो बचपन की बुरी आदत ही क्यों ना हो। आज इन दोनों का ये प्यार देखकर इनके बचपन की तस्वीरें आंखों के सामने फिरने लगी। याद है आपको? हाँ। आज शायद आप राजमाता से मिलने जा रहे थे। जी नहीं, उनसे मिलकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा था। क्या मंदिर में देवी पूजा कर रही हैं? जी नहीं, आजकल उन्होंने देवी पूजा छोड़कर आपकी भक्ति शुरू कर दी है। रसोई घर के तमाम रसोइयों को निकाल कर अपने हाथों से खुद आपके लिए नाश्ता बना रही है। मैंने सोचा इतनी देर में मैं आपसे अपनी सजा पूछ लूं। सजा? जी हाँ, मेरी नजरों ने सारी जिंदगी आपकी राह तकने के बाद जो आपको ना पहचानने का जुर्म